पार्ट 2, अशुद्ध वाक। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बुरे से बुरा भी आदमी सम्मान चाहता है। बुरा से बुरा। वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपके उन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यथोगाथा का वर्णन करते अघाते नहीं। अशुद्ध ये है। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग आपकी यशोगाथा का वर्णन करते अघाते नहीं। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उसका एक पुत्र है। वाक्य शुद्ध भाग का चयन कीजिए। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। वाक्य शुद्ध भाग का चयन कीजिए। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। वाक्य शुद्ध भाग का चयन कीजिए। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा है। वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सेठ जी बहुत सज्जन पुरुष हैं। बड़े नहीं होगा। इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध का उनका एक पुत्र है। वाक्य शुद्ध। इधर आजकल वर्षा मौसम यहाँ आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। वाक्य में जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर अंतर्निहित किया है। वाक्य शुद्ध भाग का चयन कीजिए। सेठ जी बहुत सज्जन पुरुष हैं। वाक्य शुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। वाक्य शुद्ध भाग का चयन कीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष का जीवंत अंकन किया है। वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। हड़ताल में प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थाएं बंद होने की आशंका की जा रही है। वाक्य में शुद्ध भाग का चयन कीजिए। जिस प्रकार आभूषण के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है उसी प्रकार अलंकारों में भाषा में लालित्य आ जाती है शोभा बढ़ जाती है जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में
लालित्य आ जाती है। शीर्ष को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। बड़ों की बातों को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अरुण प्रदेश में प्रातःकाल अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल के समय का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी। सीताराम की आज्ञाकारिणीय पत्नी थी। वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया। वाक्य शुद्ध भाग का चयन कीजिए। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजे थे। वाक्य शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध। मैं कुछ का कुछ लिख दिया है। मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है। मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। कोई त्रुटि नहीं। उसकी आँखों से आँसू कोई त्रुटि नहीं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीता का चरित्र अच्छा है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह मेरा पुस्तक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाती है। जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की एक 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 वस्तु से प्रेम हो जाती है। वाक्य शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे।